की ताकीद की। एक और रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से कहा कि औरतों जो है तुम सदकात और खैरात में कसरत करो, इसलिए कि मैंने तुमको जहन्नुम में बहुत ज्यादा देखा है। एक खातून उठी और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों आपने औरतों को जहन्नुम में ज्यादा देखा है? ताकि वो आमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुन ले और उन आमाल से बच जाए। तो कहा, तुम जहन्नुम में इसलिए मैंने ज्यादा देखा हूँ कसरत, एक तुम अपने शौहरों की नाफरमान होती हो और दूसरा एहसान करने वाले एहसानात को जब ही उतार देती हो। और एक रिवायत में अल्फाज ये है कि तुम नाशुक्री होती हो अपने शौहर और दीगर लोगों की, एहसान करने वालों की, और दूसरा कि तुम लान तान ज्यादा करती हो। लान तान समझते ना, कि कुछ हुआ कि बैठ जाना, इनका ये हो, इनका बेड़ा गर्क हो, इनके बच्चे मर जाए, इनकी दौलत लूट जाए, मेरे बच्चों को हमेशा लान तान। और दूसरा फरमाया, एहसान करने वालों के एहसान को उतार देती हो। कैसे? एक मर्द ने, बाप ने मेहनत की, मशक्कत की, बेटी के लिए सब कुछ किया और एक ईद को जोड़ा नहीं ला सका, तो बेटी क्या बोलती? अब्बा से कोई खैर हासिल ही नहीं हुआ आज तक, इसकी पूरी मेहनत जो उसने घंटों घंटों एक्स्ट्रा काम कराएगा। शौहर ने मेहनत और मशक्कत करके औरत के लिए, बीवी के लिए सब कुछ किया, एक बार कोई चीज नहीं ला सका जो उसकी महबूब थी। कह दिया, तुमसे तो मुझे कोई खैर हासिल ही नहीं हुआ। उतार दी पूरे उसके एहसान एक झटके में, है ना। भाई ने सब कुछ किया अपनी बहन के लिए, एक बार कोई चीज नहीं लाया, चूंकि बीवी का हक था, पहले तो सोचा एक ही ला सकता हूं तो बीवी का हो जाए। तो बहन ने कह दिया, भाइयों से तो खैर हासिल ही नहीं हुआ आज तक हमको, उतार दिया एहसान। लानतान और एहसान, ठीक है। तो लिहाजा सदखात, तो आप कसरत करें। अब एक सवाल, जो और हम तो कमाती